नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एजी फैक्ट एंड मोटिवेशन पे। अगर आप अधिक सोचते हैं तो आपके जीवन के लिए यह खतरनाक हो सकता है। आप अपने दिमाग को अधिक सोचने से कैसे रोकें, इस वीडियो में हम 5 ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। हर किसी के दिमाग में हर समय कोई ना कोई विचार चल रहा होता है, लेकिन हर वक्त सोचना भी अधिक उचित नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो जरूरत से अधिक सोच रहे होते हैं, इससे कैसे बचे यह जानना जरूरी होता है। नए विचारों का उत्पादन करना हमारे दिमाग का विभिन्न कामों में से एक है। आप हर वक्त नए नए विचारों, नई कल्पनाओं, नई रचनाओं को जन्म देते हैं। अगर आप हर वक्त नई चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका मानसिक रूप स्वस्थ है। लेकिन अच्छी कल्पना करना और ओवर थिंकिंग में काफी फर्क होता है। अगर आपका दिमाग अधिक सोच रहा है तो एक ये समस्या है जिससे आपको बाहर निकलना चाहिए। इसके कारण आप तनाव में आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपके दिमाग को अधिक सोचने से कैसे रोकें। नंबर एक है, ध्यान दें कि आप कब अधिक सोच रहे हैं। अगर आप किसी समस्या से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस समस्या के बारे में जानें और समझें। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं और कब सोच रहे हैं, आप किस तरह के सोचते हैं और कब अधिक सोच रहे हैं, इस बात पर ध्यान जरूर दें। ऐसा करने से आप समझ पाएंगे कि आपको क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। नंबर दो है, सकारात्मक सोच बनाएं। जब आपका दिमाग ज़्यादा सोच रहा होता है तो दिमाग में नकारात्मक विचार आना सामान्य बात है। ऐसे में ये नकारात्मक विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सोचें जरूर, लेकिन केवल पॉजिटिव चीजें। अपने दिमाग में सकारात्मक विचार ही विकसित करें, इससे आपको बाकी चीजों को संभालने में मदद मिलेगी। नंबर तीन, खुद को विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रखें। शोध बताते हैं कि अगर आपका दिमाग ज्यादा सोच रहा होता है तो आपको मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। जब आप खुद को अधिक सोचने से रोकने की कोशिश करते हैं तो असल में आप अपने इसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप खुद को विभिन्न गतिविधियों में जैसे व्यायाम, खेल, बातचीत, वाद विवाद, पेंटिंग आदि में व्यस्त रखें। इससे आपका दिमाग अलग अलग विचारों का उत्पादन करता है और टॉक्सिक विचारों से दूर रख पाते हैं। नंबर चार, मेडिटेशन यानी कि आत्मचिंतन। मेडिटेशन करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि मेडिटेशन आपकी दिमागी सेहत के लिए बेहतर होता है। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके पास नकारात्मक विचार दूर होते हैं और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए अपने दिमाग को अधिक सोचने से रोकने के लिए मेडिटेशन एक बेहतर विकल्प होता है। और नंबर पाँच है, वर्तमान में अधिक समय बिताएं। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि गुजरे हुए कल और आने हुए कल के बारे में अधिक सोचते हैं। ऐसे में आप वर्तमान के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं और इसी कारण आपके दिमाग में नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप आज में जिएं और वर्तमान में अधिक समय बिताएं। इससे आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा, संचार होगा, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।